लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। अगर आप भी किसी बाबा या किसी तांत्रिक से जुड़े हुए हैं तो यह खबर जरूर देखें, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। क्योंकि आजकल हमारे देश में धर्म की आड़ में और धर्म की चोला पहनकर लोगों से मोटी रकम ऐंठने का गोरख धंधा खूब चल रहा है, तो जरा आप भी हो जाए सावधान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने ही देश के एक धर्म गुरु के बारे में, जिनका नाम है आंसू बाबा। आंसू बाबा या आंसू गुरु जी के नाम से चैनल पर आने वाला वह शख्स ना तो कोई साधु है, ना ही सन्यासी और ना ही वह हिंदू है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर उस सन्यासी नहीं है, बाबा नहीं है, हिंदू नहीं है, तो आखिर गुरु कैसे बन गया, चैनल पर कैसे आने लगा, अपना आश्रम कैसे बना लिया, लोगों को हर समस्या का समाधान टीवी चैनल के माध्यम से कैसे बताने लगा। इन सब के पीछे एक बड़ा राज है। जी हाँ, आप सभी को पहले मैं बता दूं कि असल में ना ही वो कोई बाबा है और ना ही कोई हिंदू, असल में एक ढोंग का चोला पहन रखा है जिसकी असली नाम है आसिफ खान। जी हाँ, शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला ने यह खुलासा किया, क्योंकि उसकी बेटी और उसे कई वर्षों से यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। आसिफ खान के मैनेजर ने नशीला पेय पिलाकर बाबा व उनके साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। होश में आने पर महिला ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो बाबा उसे जान से मारने की धमकी दे डाली और महिला चुप हो गई। लेकिन महिला अंत में हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस में शिकायत की। लेकिन आपको बता दें, मामला का तुल तो अब पकड़ा है, लेकिन यह माजरा दिल्ली पुलिस की देखरेख में हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ढोंगी बाबा आखिर दिल्ली पुलिस की जानकारी में रहते हुए यह सब कैसे कर रहा था। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को यह मालूम था, क्योंकि कोई आंसू महाराज नहीं बल्कि आसिफ खान है। लेकिन उसके बावजूद पैसे के दम पर आसिफ खान आंसू भाई महाराज बने रहे और लोगों को अपनी जाल में फंसाते रहे। आसिफ खान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पॉपुलर किया है तो हमारे देश का टीवी चैनल, जो कि टीआरपी की होड़ में और पैसों की गर्मी के कारण अपने देश के कुछ कथाकथित चैनल ही कर रहे हैं, चाहे वो आखिर धर्म परिवर्तन का कार्य क्यों ना हो, यह योगदान बखूबी निभा रहे हैं। और यही कारण है कि आज देश में, खासकर हिंदुस्तान में, लोगों को अपने ही हिंदू धर्म से, अपने ही आस्था से, अपने ही भगवान से धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है और लोग दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। आखिर कहा जाता है कि सच्चा मुसलमान वही है जिसका ईमान सच्चा हो, लेकिन आसिफ खान का ईमान कैसा है यह आज सबके सामने खुल ही गया।